शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोड़े। स्वागत करता हूं आपका हमारे शो जुर्म और जज्बात में। अक्सर हमने देखा है कि अमीर और बड़े लोगों की जिंदगी में सब कुछ होता है, खासकर खुशियां और दौलत भी। मगर जब इन्हीं बड़े लोगों की जीवन में मुश्किल आती है तो उन्हें देखकर आम इंसान भी हिल जाता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक बस्ती जिले की, जहां ऐशो आराम के पीछे एक जुर्म पनप रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक हंसता खेलता परिवार जो तबाह होने जा रहा था, और बर्बाद होने जा रहे थे वो हजारों सपने जो एक बेहतर कल की ओर इशारा कर रहे थे। खूबसूरत हो तुम, पता नहीं आज कितनों पर बिजलियां गिराऊं। मैं किसी और पर बिजलियां क्यों गिराऊं जब मेरा पति मेरे साथ है। मैं सिर्फ आपके लिए सचती सबरती हूँ, किसी और से मुझे क्या मतलब। इससे पहले कि मेरा पार्टी जाने का मूड बदल जाए, निकले यहां से। चल भाभी, 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 तुम कहीं नहीं जाओगी, भैया अकेले जाएंगे, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। वेद, कितनी बार तुमसे कहा है किस तरह से कमरे में मत घुसकर आया करो। जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी ना, तुम्हें समझ में नहीं आता। रहने दीजिए ना, बच्चा है वो। बच्चा ही है, तुम्हारी उम्र का हो चुका है। मॉम डैड तो चले गए और इसका बोझ मेरे सर पर डाल दिया। अब देख क्या रहे हो, जाओ यहां से। आप भी ना। एनीवे, चलो हम पार्टी के लिए लेट हो। अरे मैं कर लूंगा। कम, लेट्स गो। Let's go, come. हाँ। कहीं जा रहे हैं आप लोग? मैंने खीर बनाई थी, सोचा आप लोगों को देती हूँ। अरे वाह, थैंक यू, बट वो क्या है ना कि हम एक पार्टी में जा रहे हैं तो खाना वहीं खा कर आएंगे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अरे खीर मुझे और वेद को ना बहुत पसंद है, इसे रख देती हूँ और लौट के खा लेंगे। थैंक यू सो मच इसके लिए। कुछ और खाना हो तो बताना। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग लेट हो रहे होंगे। हाँ Yes, actually. ठीक है। इससे ज्यादा बात मत किया करो। क्या करेगी वो? डिवोर्स के बाद अकेली है, हमसे कुछ देर बात करने आ जाती है तो क्या बुराई है उसमें? ओके, ठीक है। एक काम करो, तुम ये खीर अंदर रख कर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ। मैं भैया को जान से मार दूंगा, वो हमेशा मुझे डांटते हैं,
मारते हैं, पर काजल भाभी को नहीं मारूंगा मैं। वो मुझे प्यार करती हैं और मैं भी तो उनको प्यार करता हूं। भैया को अब मैं और भाभी साथ में रहेंगे, प्यार से रहेंगे मैं और भाभी। अब ए रघुवीर, ए हाय मोहन, हाय हाय, हाउ आर यू डूइंग मोहन? कैसे हैं? गुड, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा। Hi Naresh. Hi Rukhvi, kaisa hai bhai? Good, good, good. It's a surprise. She's my wife, Mohan. She is so charming. Okay, I'll see you guys around. Okay? Yeah, sure, sure. See you in the other part. Tum yahi ruko, main tumhare liye drinks leke aata hoon. ये रही तुम्हारी ड्रिंक। चेस। यार ये क्या लग रही है रघुवीर की वाइफ? हाँ, कोहिनूर लेकर बैठा हुआ है ये तो, नजर ही नहीं हटती इस पे से। तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अगर दोस्ती में दोस्त का फायदा नहीं उठाया जाए तो दोस्त कैसा? बहुत लकी हो काजल, जो तुम्हें रघुवीर जैसा पति मिला है। मेरे पति ने तो मुझे हमेशा दुखी दिया है, कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं बोले उस समझ से। हमेशा लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौच, बस यही करता था मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ, और मेरे घर वाले भी उसी का साथ देते थे। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। चल अब तो कम से कम तुम इन सब चीजों से आजाद हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजाद हूं लेकिन अकेली हूं, और शायद जिंदगी भर अकेली ही रहूंगी। भाभी, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही। भाभी मुझे कहानी सुनाओ ना, वो भूत वाली। चलो ना भाभी। ये ना ऐसा ही है, इसको चला के आती हूँ वरना जिद करेगा। चलो ना भाभी। हाँ, चल, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। ठीक है। जिसमें मैं पुलिस को मारा था, वो आ गए आप? कैसे आप? गुड। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा अच्छा, वो गोरखपुर से कॉल आया था आपके फैक्ट्री मैनेजर का। अच्छा, क्या बोला वो? वो बोले कि फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है, साहब को बोल के सब कुछ सेटल करवा दे। झूठ बोल रहा है वो, वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। ये लोगों ना बस रोने की आदत सी हो गई है। वो मैनेजर और बाकी के लेबर्स को अपनी सैलरी बढ़ानी, और कुछ नहीं। अच्छा, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? कॉस नॉट। अब मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है? देखिए, ये फैक्ट्री हमें कितना कुछ देती है, इस वक्त उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये पार्टीज वार्टीज तो होती रहेंगी ना, पर फिलहाल फैक्ट्री पर ध्यान देना जरूरी है। ओके बाबा, ठीक है, मैं आज ही मैनेजर से बात करता हूँ और जल्दी फैक्ट्री भी विजिट करता हूँ। ओके, अब सारी बातें यहीं करोगी या अंदर भी चले? चलो चले। और बता। काजल, काजल, काजल,
काजल आ रहा ना तुम इतनी रात को? काजल मेरे यहाँ ना कोई चोर घुसाया है, वो खिड़की खोल के अंदर घुसा और जैसे मैंने आवाज की ना वो भाग गया। वो दो लोग थे। आपने उन्हें देखा? हाँ देखा, उसके हाथ में लाठी भी थी। रिलैक्स आराधना, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। तुम डरो मत आराधना, ये सब संभाल लेंगे। राधा जी, मैंने चेक कर लिया, वहां पर तो कोई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। मैं कल सुबह कमिश्नर से बात कर लूंगा और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एरिया में पेट्रोलिंग तेज कर दें। थैंक यू। पटाखा था, गोली नहीं। रिलैक्स। अरे अब ये किस लिए? इतना अच्छा पति और सभी की मदद करने वाला इंसान होने के लिए। तुम भी ना। अब चलो अंदर। देखो सोच लो, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। 2 से 4 दिन रह पाओगी मेरे बिना? आपका काम भी तो ज्यादा जरूरी है ना, जल्दी से सब कुछ सेटल करके आइएगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और एक बात फैक्ट्रीज की वर्कर्स की, तो उनको मैं सीधा करके आता हूँ, ओके? अपना ध्यान रखिए। तुम भी, बाय, ठीक है। बाय। भाभी, अच्छा हुआ भैया चले गए, अब हम साथ खेलेंगे। कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, फिर क्या करोगे बच्चू? भगवान, भैया कभी लौट के नहीं आए। चुप, ऐसा नहीं बोलते। चल अंदर चल के तुम टीवी देखो और मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग? अचानक? हाँ जी, वो आज रघुवीर का जन्मदिन है, सोचा उसको सरप्राइज देते। कहाँ है वो? वो तो गोरखपुर गए हुए हैं अपनी फैक्ट्री के काम से, 2 दिन के बाद ही आएंगे। और उनका बर्थडे आज नहीं, 2 महीने बाद है। क्या? अरे हमें लगा उसका जन्मदिन आज है। तो कोई नहीं, जन्मदिन आज ही मना लेते हैं। और रघुवीर नहीं है तो क्या हुआ, भाभी जी तो हैं। भाभी जी से केक कटवा देते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। भाभी जी अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगे। आइए ना, आप ही का घर है, आइए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो। हाँ काजल, आप पहुँच गए ना अच्छे से? हाँ मैं पहुँच गया हूँ यहाँ। अच्छा, वो आपके दोस्त आए हुए आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और मैं केक कट करने वाली हूँ, तो आप ना उनसे एक बार बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है। काजल, वेद कहाँ है? वो सो गया है, बहुत थक गया था ना, और उसकी दवाइयां भी दे दी है मैंने, अब सुबह तक ही उठेगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, cheers. This is for a beautiful lady. Thank you.
काजल अरे बाप रे क्या हो गया काजल इतनी जोर से पकड़ा जैसे मैं दोबारा जाने वाला हूं सोचिएगा भी मत दोबारा जाने के बारे में उनके बिना ये दिन कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती हूं ठीक है बाबा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा ओके अच्छा तुम्हें पता है कि हमारी फैक्ट्री का काम फिर से चल पड़ा है और हमें बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है काजल आई प्रॉमिस अब से मैं सिर्फ तुम पर और अपने काम पर ध्यान दूंगा क्या हुआ काजल वैद्य ने तुम्हें परेशान किया क्या नहीं मगर वो पता नहीं क्यों मुझसे गुस्सा है बात ही नहीं कर रहा है ठीक है मैं फ्रेश हो जाता हूं फिर हम उससे बात करते हैं ठीक है वेद क्या हुआ वेद मुंह क्यों फुला कर बैठे हो वेद गनीमत है कि हम तुम्हें इस घर में रहने देते हैं अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें पागलखाने भिजवा दिया होता तो भेज दो मुझे पागलखाने सब खराब लोग हैं यहाँ तुम भी खराब आदमी हो और भाभी भी गंदी औरत है वो मुझे प्यार नहीं करती वो दूसरों को प्यार करती है गंदी औरत है वो मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा एक तो तेरे लिए इतना सब कुछ करूं ऊपर से तू हमको ही बुरा बोलेगा आज ना अगर मैंने तेरी खाल ना उधार दी ना तो मेरा नाम रघुवीर नहीं समझा तू दादी 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 क्या कर रहे हो ये जान मिलेगी क्या उसे तुम्हारी बुराई कर रहा था वो और अब देखो उसे तुम्हारे पीछे छुप रहा है कैसी हो काजल मेरे सर में दर्द है बाद में बात करते हैं अरे तो तुम्हें कौन बोल रहा है बात करने को एक काम करो हम बात करते हैं तुम बस सुनो जब से तुम्हारा वो वाला रूप देखा है ना काजल दुनिया में कुछ और दिखता ही नहीं है बस तुम ही तुम नजर आते हो वो तो अच्छा है उस दिन वो रिकॉर्डिंग कर ली थी हमने वरना ऐसा नजारा बार बार कहाँ देखने को मिलता बस एक बार और अपना नशा करवा दो काजल से दोबारा नहीं बोलेंगे हाँ वरना ऐसा ना हो कि हमारा मुंह खुल जाए मैंने आपसे कहा था उसे मत इतना डांटिए और मारिए भाग गया ना वो घर से पता नहीं कहाँ गया होगा और किस हालत में होगा तुम ठीक कह रही हो और अगर उसे कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हम पर आ जाएगा आप वो सब सोचना छोड़िए और ये सोचिए कि वो कहाँ मिलेगा अरे वेद कहाँ थे तुम कहाँ चले गए थे तुम वो तो अच्छा हुआ रोड क्रॉस करते टाइम मैंने उसको देख लिया बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर लेकर आई हूँ इसका ख्याल रखिए प्लीज इसका भी इतना अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा ना किस घर से क्या अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा ये आप प्लीज चुप हो जाइए वेट तुम अपने कमरे में चलो आपको पता है आपकी जो बड़ी वाली घर है ना मुझे सोफे के नीचे मिली आपको बहुत पसंद है ना वो चलिए उसमें सेल डाल के हम खेलेंगे आराधना जी धन्यवाद आपका वेद अच्छा है और आपकी तरह भोला भी मतलब मैंने वेद को आराम से घर में बिठाकर बात की तो उसने मुझे एक बात बताई कौन सी बात यहाँ नहीं आप एक काम कीजिए मेरे घर चलिए ना मैं बताती हूँ आपको नहीं नहीं आपको जो कुछ भी कहना है आप यहीं कहिए वेद बता रहा था कि पहले काजल वेद को और आपको बहुत प्यार करती थी लेकिन अब
दो लोग और हैं जिनसे वो प्यार करती है और वो लोग उसको कमरे में लेके जाते हैं। अच्छा, और क्या कहा उसने? अगर आप समझदार हैं तो एक इशारा ही काफी है कि किस औरत के साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। और आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो कब से आपके इशारे का इंतजार कर रही हूँ। वेद हर रोज अपनी खिनौले वाली बंदूक से 100 लोगों को मारता है और 100 मारे वाली मंजिल से बिना पैराशूट के नीचे कूद जाता है। उसकी बातों में आकर आप अपनी बात मेरे सामने रख रही हैं। इससे पहले मैं वेद के साथ साथ आपको भी पागलखाने भिजवा दूं, यहां से चली जाइए, चली जाइए यहां से। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मुझे अब इस शहर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चली। घुटन होती है यहाँ पे, प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चलिए। मैं हूं, और कौन होगा? आप तो डराई दिया बिल्कुल मुझे। अब तुम्हारे होश उड़ाने वाला हूं। ये देखो। ये क्या है? पहले देखो तो। लखनऊ में ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नए बिल्डिंग्स का। बहुत कमाल के फ्लैट्स हैं यहाँ पे, स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है यहाँ पे। क्या कहती हो, यहाँ पे एक फ्लैट बुक कर ले और लखनऊ शिफ्ट हो जाए? रघुवीर चलते हैं यहाँ से, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। कोई भी फ्लाइट बुक कर लो, चलो पर यहाँ से। ठीक है। रघुवीर, सुना है घर छोड़कर भाग रहे हो यहाँ से? बिल्कुल ठीक सुना आपने, लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगी कि यहाँ से भागने से पहले हमें घर किसको किराए पर देकर जा रहे हैं? हो सकता है कि उनका नाम सुनकर आप यहां से भाग जाएं। किसको? आपके पति को, जिसके साथ तुमने प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की और फिर डिवोर्स करकर इस घर पर कब्जा कर लिया। अब अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज तो निभाना ही होगा, है ना? अब वैसे भी उनके आने के बाद आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आज मैं जहां भी हूं ना, अपनी इज्जत की वजह से, और जब मैं कुछ ठान लेती हूँ ना तो कुछ भी कर गुजरती हूँ। रघुवीर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हेलो, आपकी आवाज सुनकर दिल खुश हो गया। बस अब जल्दी से आपके दर्शन हो जाएं भाभी जी। आखिर कब तक आपका वीडियो अपने फोन में रखते फिरेंगे? एक बार आप मिल जाइए, उसके बाद आप अपने हाथों से वो वीडियो डिलीट कर देना। एक बात आप दोनों कान खोल कर सुन लीजिए, मैं और रघुवीर यहाँ से लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, आप दोनों की बीवियों का नंबर भी है मेरे पास, उन दोनों के हाथों से भी मैं बहुत कुछ डिलीट करवा सकती हूँ, मोबाइल से भी और आपकी जिंदगी से भी। और अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई ना तो पता नहीं क्या होगा। कुछ ज्यादा नहीं बोल गई? अकाउंट क्लोज करना मुझे अच्छे से आता है, अब तू देख ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद बखुद अपने पीछे आएगी जिंदगी भर के लिए। चेस।
रघुवीर की अचानक हत्या हो जाना बहुत ही अचंभे की बात थी। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, एक बेहतर कल की ओर आगे बढ़ रहा था, मगर दूसरी तरफ कोई और भी था जिसने उसे मारने की ठान ली थी। यूं तो हालातों ने उसकी जिंदगी में इतने मसले खड़े कर दिए थे जिसका उसको पता भी नहीं था, पर क्या ये मसले इतने पेचीदा थे कि जिसकी वजह से कोई उसकी जान तक ले सकता था? दिन दहाड़े रघुवीर को उसी के घर के बाहर मार देना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। अब वक्त था इस राज से पर्दा उठने का। निर्मला चेक कर। विक्टिम के पास से ये वॉच मिली है, बहुत महंगी लगती है। चोरी का मामला नहीं लगता सर, आपसे रंजिश जरूर लगती है। रघुवीर! रघुवीर! रघुवीर आगे खोलो। मैडम कौन है आपके? मेरे पति है। मैडम को लेके जाओ। रघुवीर! सबसे पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। जी सर। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करो, सीसीटीवी एंगल्स सारे के सारे चेक करो। जी सर। देखो अगर कुछ भी मिलता है तो। जी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, किसी से भी मेरे लिए कुछ भी नहीं सुनते थे, यहां तक कि मेरे कहने पे वो लखनऊ शिफ्ट होने के लिए भी तैयार हो गए थे। उनके जाने के बाद मेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें टूट चुकी है। जिंदगी में कुछ कुछ बचा ही नहीं। उनका कोई दुश्मन या फिर कोई भी ऐसा जिसको उनकी मौत से फायदा हुआ हो, क्या आपको किसी पे शक है? वो मुझसे हर बात शेयर करते थे, पर किसी से दुश्मनी की बात शेयर नहीं की उन्होंने। मैंने मार दिया भैया को, मैं आपको भी मार दूंगा, वो मुझे बहुत सताते थे। मैंने मार दिया भैया को, मैंने मार दिया भैया को इस गन से। वे, वे, छोड़ो रे, उठो। नहीं मैं उनको मार दूंगा इस गन से, मैंने भैया को भी मारा था। इसका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं, कुछ भी बोल देता है। अंदर चढ़ के खेलना ठीक है, चलो। ठीक है हम चलते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी बात याद आए जो आपको लगता है कि हमको बतानी चाहिए, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकती हैं। या? एक काम करो, किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को लाकर वेद से उसकी बात करवाओ, हो सकता है कोई राज की बात सामने निकल के आए। सर रघुवीर के बारे में पता लगा है, उसका गोरखपुर में कोई बिजनेस नहीं है, एक जमीन थी जो बहुत पहले बेच चुका है। तो ये देखिए, रघुवीर का बैंक स्टेटमेंट देख के लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और ऊपर से उसने बहुत सारे लोन भी ले रखे थे। ये रघुवीर इतने शानो शौकत की जिंदगी जीने के लिए आखिर पैसे कहां से लाता था? एक काम करो। जी सर। इसके दोस्तों को पता लगाओ। जी सर। फिर देखते हैं। अच्छा रघुवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? सर अभी तक तो नहीं, कल तक आ जाएगी। सर आज साइकोलॉजिस्ट को भी वेद का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने भेज दिया है। हेलो, ओके गुड जॉब। ये रघुवीर इतनी अमीरी वाली जिंदगी जीने के लिए आखिर काम धंधा क्या करता था? जी हमें उसने बताया था कि गोरखपुर में उसका एक बिजनेस है, वहीं से पैसा आता है उसके पास। पार्टी में अक्सर यही बोलता फिरता था। वैसे काफी बड़े दिल वाला और शौकीन आदमी था वो, खूब पार्टीज करता था, हम अक्सर उसे पार्टीज में ही मिलते थे। वैसे पैसे वाले तो आप दोनों भी कम नहीं लगते, उम्मीद करता हूँ सही तरह से पैसे कमाते होंगे। जी हमारा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। कमल मार्केट में बड़ी दुकान है आपकी, यहाँ आने से पहले पता किया था मैंने, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे लीजिए, यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, हम यहीं पीते हैं। एक बार यहाँ की चाय पीना शुरू करेंगे तो पार्टी भूल के यहीं आया करेंगे। लीजिए लीजिए। थैंक यू सर। Thank you.
जी ओके थैंक यू सर। वो साइकोलॉजिस्ट से बात हुई मेरी, उसने मुझे बताया कि वेद की मानसिक हालत इतनी ख़राब है कि हम उसके किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। सर उसे ये भी बताया कि वो अपने भाई रघुवीर से बहुत नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार वो रघुवीर को ही मानता है, जबकि उसकी माँ बाप की मौत बीमारी से हुई, वो भी बुढ़ापे में। सर वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करता है लेकिन बीच बीच में उन पर भी गुस्सा उठता है, ऐसे में उसकी किसी भी बात पे यकीन करना ठीक नहीं है सर। लेकिन फिर भी हम उसको अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से रूल आउट नहीं कर सकते। जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके हिसाब से रघुवीर की बॉडी में गले में कट के अलावा कोई भी स्ट्रगल मार्क्स नहीं है, और इसका मतलब यह है कि मारने वाला रघुवीर को अच्छी तरह से जानता था और इस वजह से रघुवीर को संभलने और समझने का मौका ही नहीं मिला और वो वहीं अपनी गाड़ी में मर गया। यहां आसपास किसी पे शक है आपको? मेरी बॉल, सॉरी बोलो सर को। तुम चलो अंदर, अंदर अंदर चलो, मेरे को खेलना है भाभी, अंदर चल के खेलो, चलो आओ अंदर चल के खेलो। सॉरी वो जी आप कुछ बता रही थी। हाँ वो यहाँ आसपास रहने वालों से हमारी कोई खास जान पहचान नहीं है और रघुवीर की भी सिर्फ पास में रहने वाली आराधना से ही बातचीत होती थी। मिस आराधना आपसे दो मिनट बात करें। क्या बात है, क्या हुआ? प्लीज बैठे। सुना है थोड़ी बहुत बातचीत थी आपकी रघुवीर जी के साथ? जी हाँ, मेरा उनके घर थोड़ा आना जाना तो था लेकिन बहुत टाइम से मैं गई नहीं उनके यहाँ। वैसे कैसे इंसान थे रघुवीर जी? अच्छे इंसान थे, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। एक बार जब मेरे घर में चोर घुस गया था ना तो मेरी भी मदद की थी उन्होंने। कुछ और उनके और उनकी बीवी के बारे में? शायद काजल को कोई प्रॉब्लम थी, पता नहीं इतना अच्छा पति मिलने के बाद भी अपने देवर पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देती थी वो। मुझे लगता है कि पक्का काजल और उसके देवर के बीच में कुछ तो था। वेद भी एक दिन मेरे घर आया था और उसने मुझे बताया था कि वो काजल को बहुत प्यार करता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो किसी और मर्द के साथ कमरे में जाती है। किसी और मर्द के साथ? हाँ, उसकी हर बात पे तो विश्वास नहीं कर सकते लेकिन हाँ ये पक्का है कि वो अपने भाई से इसीलिए नफरत करता था क्योंकि काजल रघुवीर की थी ना कि उसकी। नो थैंक्स। अरे पीकर तो देखिए, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, अगर बेकार हुई तो रख दीजिएगा। करिए लीजिए फॉरेन सीर जिसका आपको इंतजार था, आ गई। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलो अब सीधे बात करते हैं रघुवीर के हत्यारे से। बड़ी होशियारी दिखाई तुमने। हाँ लेकिन सच पूछो तो हमें तुम्हारे साथ कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमें हमेशा से पता था कि गुनहगार हमारे आसपास ही है लेकिन बस कुछ पहचान करना बाकी थी। तो बताओ क्यों मारा रघुवीर को? अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? उन्हीं की वजह से तो मैं गरीबी से निकल के कच्ची जिंदगी जी रही थी, प्यार करती थी मैं उनसे, उन्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें रघुवीर की गाड़ी के दरवाजे से खून का एक निशान मिला, जब हमने ध्यान से देखा तो वो किसी उंगलियों के निशान थे। मतलब ये जिसने भी रघुवीर को मारा उसने पहले उससे कार का दरवाजा खोलने को कहा और फिर उसे मारकर कार का दरवाजा बंद कर दिया और इसी बीच उसके खून भरे हाथों की उंगलियों के निशान बाहर रह गए। फॉरेंसिक जांच में हमने जब फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए तो वो फिंगरप्रिंट्स आपके थे। पर मैंने तो कोई फिंगरप्रिंट्स दिए ही नहीं, तो आपने मैच कैसे करवाए? देखिए मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है और तब तक हम लोग बड़े चुपके और चालाकी से अपने सस्पेक्ट्स के फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। तो आपके घर से जो पानी का ग्लास था उससे हमने आपके फिंगरप्रिंट्स लिए और कुछ लोगों को हमें चाय पिलानी पड़ी।
चुपचाप सच सच बता दो, क्यों मारा रघुवीर को? नहीं तो चाय पिलाने के अलावा हमारे पास और भी कई रास्ते हैं सच उगलवाने के। मैंने अपने पति को नहीं मारा, अब मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? क्योंकि तुम अपने पति के साथ धोखा करती थी, उसकी गैर हाजिरी में तुम दूसरे मर्दों के साथ सोती थी। इससे पहले कि उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलता, तुमने उसको रास्ते से हटा दिया। मुझे तो लगता है कि तुमने उससे शादी भी इसलिए की ताकि तुम अपनी अय्याशियों को अंजाम दे सको। झूठ है ये सब। मैं बच्चलन औरत नहीं हूं, बल्कि मेरा पति बेहद गिरा हुआ इंसान था। काजल सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। अच्छा इस वक्त मैं तुमसे दूर हूँ, वरना मैं ये बात कभी तुम्हारी आंखों में देखकर कह नहीं पाता। क्या बात है, बोलिए ना। काजल उस रात पार्टी में मैं मोहन और नरेश के साथ में जुआ खेल रहा था, और जुए में मैं अपना बंगला गाड़ी यहाँ तक अपनी फैक्ट्री भी हार गया। क्या बोल रहे हैं आप ये? मैंने मोहन और नरेश को बहुत समझाया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे उनके साथ में एक सौदा करना पड़ा। कैसा सौदा? तुम्हारा। क्या? काजल, I'm really sorry. काजल, अगर तुम चाहोगी ना तो हमारी जिंदगी उजड़ने से बच सकती है, हम सड़क पर आने से बच सकते हैं। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा, बस अपने काम पर ध्यान दूंगा और सिर्फ तुम पर ही ध्यान दूंगा। काजल प्लीज, सिर्फ आज रात के लिए मान जाओ, और हम ना आइंदा इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम ऐसा सोचेंगे कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ। I hope you understand, right? Please, काजल। इसके बाद मैंने अपनी इज्जत को उन दोनों दरिंदों के सामने रघुवीर की गलती के कारण नीलाम कर दिया। रघुवीर ने मुझसे वादा किया था कि वो बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं बदला। वो जुआरी था और जुआरी ही रहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी, मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद, उसने मुझसे कहा कि पिछली रात वो फिर से किसी और के साथ मुझे जुए में हार चुका है। काजल तुम जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है, ये लास्ट बार है, और पहले की तरह सिर्फ दो लोग ही हैं। मैं जानता हूँ तुम संभालोगी, और काजल मैं बस दो चार दिन में लखनऊ जाऊंगा और वो फ्लैट, इनफैक्ट पूरा फ्लोर तुम्हारे लिए बुक करूंगा। काजल ये हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, हर बार तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। प्लीज प्लीज काजल। हेलो। हाँ बस दो मिनट रुको, मैं आता हूँ। काजल तुम रेडी रहना, आज रात को वो लोग आएंगे। ओके हाँ मैं आ रहा हूँ बस। हाँ पर इस बार पानी सर के ऊपर गुजर चुका था, बस तूफान आना बाकी था। काजल सुनो ना, मैं अपनी वॉच डाइनिंग टेबल पे भूल गया हूँ। तुम प्लीज लाके दे दोगी? हाँ मैं अग्रवाल जी के घर के बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ मैं आती हूँ। थैंक्स। आपकी वॉच। थैंक यू काजल। आई होप तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगा, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बार तो वो सब कुछ कर चुकी हो, तो दोबारा करने में आई डोंट थिंक सो यू शुड माइंड। आपको टाई बनना भी ठीक से नहीं आया अब तक, तुम ही ठीक कर दो। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था, पहली बार ही बात मान के।
बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने उसे मार दिया। काश आपने रघुवीर की बात पहली ही बार में नहीं मानी होती तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। आपकी वजह सही थी पर तरीका गलत था। ये मोहन और नरेश, इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने लेके आओ। किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना जुर्म है और उन्हें भी बराबरी की सजा मिलेगी। और वैद्य की देखभाल के लिए किसी अच्छे एनजीओ से बात करो जहां उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। जी सर। और उपचार भी। चलिए मैडम। आज की कहानी में आपने देखा होगा कि रघुवीर ने अपनी पत्नी से और पूरी दुनिया से कई बातें छुपाई थी, जैसे कि उसका कारोबार, उसकी आर्थिक हालत और सबसे बड़ी बात, उसके जुए की लत। उसने अपनी पत्नी के साथ सभी लोगों को एक झूठी दुनिया में उलझाए रखा था। उसकी शान शौकत, पैसे का रुबाब, सब एक झूठ था। रघुवीर धीरे धीरे अपनी झूठी शान शौकत की जिंदगी में इतना खो चुका था कि उसने अपनी पत्नी को ही नीलाम कर डाला। उसने एक बार नहीं, कई बार अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। उसने अपनी पत्नी के साथ साथ उसका विश्वास भी खो डाला। लत चाहे किसी भी चीज की हो, जब उसकी अहमियत अपने परिवार से ज्यादा हो जाती है तो वह एक खतरनाक रूप ले लेती है। फिर वो एक नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।